मैं हूँ झुम 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 झुमरू पकड़ घूमू बन के घुमरू मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नजर मैं दुनिया से बेखबर बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। मैं हूँ झुम 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 झुमरू फक्कड़ घूमू बन के घुमरू मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नजर मैं दुनिया से बेखबर बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। उड़ रे पका यो का पका मैं हूँ झुम 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 झुमरू फक्कड़ घूमू बन के घुमरू साथ में हम सफर न कोई कारवां। भोला भाला सीधा साधा लेकिन दिल का हूँ शहजादा है ये मेरी जमी ये मेरा आसमां। ओ टिर 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 यूड़ रे पका यो का पका ओ टिर 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 यूड़ रे बागा लोगा बागा ओ टिर 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 टिर। मैं हूँ झुम 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 झुमरू फक्कड़ घूमू बन के घुमरू प्यार सीने में है हर किसी के लिए। मुझको प्यारा हर इंसान दिल वालों पे हूँ कुर्बान जिंदगी है मेरी जिंदगी के लिए। उड़े 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 उड़े। मैं हूँ झुम 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 झुमरू फक्कड़ घूमू बन के घुमरू मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नजर मैं दुनिया से बेखबर बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। हेडली ओडली ओ यूडली ओडली ओ हेडली ओडली ओ यूडली ओडली ओ हेडली ओडली ओ यूडली ओडली ओ हेडली ओडली ओ यूडली एक्सक्यूज मी, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था जी। मेरा मतलब इधर नहीं, इधर चलिए। शट अप अंजना। भाई साहब, आपने किसी गोरी खूबसूरत जवान लड़की को इधर से जाती देखा? अरे रमेश बाबू, यहाँ से तो रोजाना बहुत सी खूबसूरत लड़कियाँ आती जाती रहती हैं। और देखिए, मैं हर एक लड़की को अपनी बहन समझता हूँ। मुसीबत में पड़ गया, बॉस को क्या जवाब दूंगा, कहाँ है कुछ समझ में नहीं आता। हाँ शायद यही हो। आप जरा बाईं तरफ घूमिए, आप दाहिनी तरफ घूमिए, नाउ लेफ्ट हैंड, बाईं तरफ घूमिए। आपका मतलब क्या है? पिताजी ने कहा था बेटा, लड़के को अक्ल से और लड़की को शक्ल से पहचाना जाता है। अजीब आदमी है, आप है कौन? पिताजी का बेटा, बॉस का सेक्रेटरी, आपका ताबेदार। मिस्टर, सीधे सीधे कहिए, आप कहना क्या चाहते हैं? माफ कीजिए, ये तस्वीर आपकी है ना? ऑफ कोर्स। आप द्वारकानाथ जी की लड़की हैं? जी हाँ। आपका नाम अंजना देवी है? जी हाँ। मैं हूँ रमेश, आपको लेने के लिए आया हूँ। कुले सामान उठाओ, आइए अंजना देवी, आइए आइए। पिताजी क्यों नहीं आए? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? पिताजी वो तो कब के चल बसे। क्या पिताजी? मेरा मतलब मेरे पिताजी, मेरे आपके नहीं। उनको भगवान न करे कुछ हो जाए, उनकी सेहत बहुत अच्छी है। वो जरा स्टेट के जरूरी काम से बाहर चले गए तो उन्होंने मुझे आपको लाने के लिए भेजा। अच्छा,
लिए कुछ कम नहीं हूँ मैडम। मेरा मतलब यहाँ की आबोहवा बड़ी अच्छी है और खास तौर से पानी भी, दुबले पतले इंसान हैवी वेट हो जाते हैं। देखिए मुझे भी आप भी हो जाएंगे। बाबूजी ने कहा था बेटा मालिक और नौकर के बीच में कभी नहीं पड़ना चाहिए। बुरे हैं आपके पिताजी। अंजू क्या हुआ? अंजू ये बाहर क्या हो रहा है पिताजी? ये यहां का रवैया है। तुम बताओ तुम्हारा सफर तो अच्छी तरह कटा ना? यहां तक तो ठीक था लेकिन बंद करो पिताजी। अंजना बेटी बाबूजी ने कहा था बेटा ज्यादा चिल्लाने से दिल का दौरा बढ़ जाता है। तुम चुप रहो रमेश जी चुप। अंजू तुम्हें इन बातों से परेशान नहीं होना चाहिए। आपका हुक्म बजाया सरकार। तुम इंसान हो या जानवर? छोड़ दो उस गरीब को। जी मैंने तो कालू तुम यहां हमारा हुक्म मानने के लिए मुलाजिम हो, जाओ। लेकिन पिताजी मैं इन लोगों से काम लेना अच्छी तरह जानता हूं और अपने फैसले में किसी का दखल नहीं चाहता। अंजना तुम सफर से थकी हुई आई हो, जाओ ऊपर जाकर आराम करो। चलिए। राम राम सरदार। राम राम। अब ज्यादा जुल्म नहीं सहा जाता। क्या हुआ? अपनी आंखों से देख लो। अरे अरे किसने किया ये? द्वारका ने अपने बंगले में बुलाकर बेचारे की खाल उधेड़ डाली हंटर से। वो तो पैदा ही हुआ है जुर्म उठाने के लिए। जब तक उसके खिलाफ सर नहीं उठाएंगे ऐसा ही होता रहेगा। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका। तुम लोग द्वारका को आज से जानते हो लेकिन मैं उसे उसी वक्त से जानता हूँ जिस वक्त मैं इस कबीले का सरदार था। वो उस वक्त भी इसी तरह जुल्म उठाता था। आज भी उसकी हंटरों की याद कर मेरी पीठ तिलमिला उठती। लेकिन मिठाई बांटूंगा जब द्वारका मरेगा। चुप रह। शर्म नहीं आती तुमको किसी के बारे में उल्टी सीधी बातें करते? ये चाची ना जाने क्यों हमेशा द्वारका की तरफदारी करती रहती। चाची तेरी जान की कसम, सरदार बनकर द्वारका को सीधा नहीं किया तो मेरा नाम बन्नो सिंह नहीं। बड़ा आया नाम बन्नो नहीं। बन्नो भी कोई नाम है? छोटा मुंह और बड़ी बात करता है। ये सरदार बनेगा? नहीं तेरा झुमरू सरदार बनेगा। हाँ हाँ झुमरू सरदार बनेगा। तू इस लायक होता तो यहाँ बैठे बैठे बातें ना बनाता। ये चांदनी सुहानी
है मेरे दिल सुना कोई कहानी, लंबी सी एक डगर है जिंदगानी। है मेरे दिल सुना कोई कहानी, आ, 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 सारे हसी नजारे सपनों में खो गए, सर रख के आसमां पे पर्वत भी सो गए। सारे हसी नजारे सपनों में खो गए, सर रख के आसमां पे पर्वत भी सो गए। मेरे दिल तू सुना कोई ऐसी दास्तां, जिसको सुनकर मिले चैन मुझे मेरी जान। मंजिल है अनजानी ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी, है मेरे दिल सुना कोई कहानी। ऐसे मैं चल रहा हूँ पेड़ों की छाँव में, जैसे कोई सितारा बादल के गांव में। ऐसे मैं चल रहा हूँ पेड़ों की छाँव में, जैसे कोई सितारा बादल के गांव में। मेरे दिल तू सुना कोई ऐसी दास्तां, जिसको सुनकर मिले चैन मुझे मेरी जान। मंजिल है अनजानी ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी, है मेरे दिल सुना कोई कहानी। ये कौन गा रहा है जी? ये तो वही नीचे की बस्ती वाला बंजारा, क्या नाम उसका, झुंगरू है। झुंगरू? जी हाँ, रोज रात को घर वापस लौटते वक्त वो ऐसे ही गाते हुए जाता है। अंजना देवी, मैं इससे भी अच्छा गाता हूँ। जी, जी फादर ने कहा था, बेटा बचपन में तू जब रोता था तब लोग समझते थे कि तू सुर में गा रहा है, और अब मैं जब गाता हूँ अंजना देवी, लोग समझते हैं मैं रो रहा हूं। प्लीज। वो कौन है? जी? वो बिहारी चाचा है। बिहारी चाचा? आप इनको नहीं जानती? अरे हाँ, अब याद आया, बचपन में देखा था इन्हें, मगर पहले तो ये हमारे साथ रहा करते थे, और अब मुझे तो सिर्फ इतना ही मालूम अंजना देवी, इनकी बीवी गुजर गई, बच्चा गायब हो गया, और अब इनकी हंसी खुशी बीवी बच्चा सब कुछ शराब में है। सॉरी, फादर ने कहा था बेटा एक की बात दूसरे को कभी नहीं बताना, मैं बोल के फंस गया। मैं अभी जाऊंगी उसे मिलने। बीवी जी, मालिक आपको खाने पे बुला रहे हैं। खाने पे? जी हाँ, पिताजी ने ठीक ही कहा था, बेटा खाने के वक्त कोई दूसरा काम नहीं करना चाहिए। चाची, झुमरू कहाँ है? सो रहा होगा। आज बाजार का दिन है और अभी तक सो रहा है। चाची, तुम्हारे लाड प्यार ने उसको खराब कर दिया है,
अरे मैं तो उसकी माँ हूँ, पर तू तो बेमाँ बाप की होके भी आसमान सर पर उठाए फिरती है। चाची जब ही तो मेरा नाम चमकी है। चमकी? अरे छुपाने के लिए अभी जगह है, ले ये भी छुपा ले। यहाँ तो कोई भी नहीं। अरे तू तो बावरी हो गई है, जरा ऊपर देख वो कौन लटका हुआ है। अरे ये तो बंदर है। चाची बंदर बोलने लगा, ले बंदर लड्डू खा। तोरी बंदर क्या बंदर ही? अच्छा अभी बता तू। अरे हे हे चमकी, हे चमकी क्या करती? अरे 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 हे चमकी, हे लटकी रे बनी पतंगवा उड़ती रे। तुम हट जाओ मामा, पतंग उड़ा रहा हूँ। पतंग क्या पतंग उड़ रही है? अरे 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 छोड़ा छोड़ा छोड़ा। अरे जा जा, बड़ी आई नखरे वाली। चल उठ, मुझे पहाड़ पर जाना है। देखा चाची, तुमने बाजार की कही और ये पहाड़ पर चढ़ने को चला है। हाँ हाँ मैं पहाड़ पर चढ़ूंगा, आज साहब लोग आने वाले हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, रख दे ये सब। उमा तुझे कितनी बार कहा है झुमरू, पहाड़ पर चढ़ना बहुत खतरनाक बात, इसमें हर साल अपने दो तीन आदमियों की जान जाए। तू घबरा मत माँ, मैं तेरा बहादुर बच्चा हूँ, वो नाम पैदा करके दिखाऊंगा कि लोग तेन सिंह को भूल जाएंगे। तेन सिंह को भूल जाएंगे? झुंझुना तो पकड़ना आता नहीं और चांद को छूने चला है। भोलू कहीं का। उसके साथ बाजार तो एक थप्पड़ लगाऊंगी। हाँ और रात को खाना नहीं मिलेगा, कह देती हूँ। खिट 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 लड़ते रहते हैं सारा। झुमरू चलना, क्या करता है तेरा नसीब अच्छा है जो मेरी चुनरिया पकड़कर पीछे चलता है, नहीं तो दमड़ी का भी सौदा ना खरीदे कोई तुझसे। ये बात है, चल मेरे साथ, देखता हूँ आज मैं तेरी चुनरिया पकड़ता हूँ या तू मेरी चुनरिया पकड़ती है। चल चल। खंडवे की ढोलक बनारस का डमरू, लखनऊ के घुंघरू बेचे है झुमरू। ए चमकी, क्या है रे? भेजू तेरे पास दो चार ग्राहक? जाने दे जाने दे, मेरे एक इशारे में खींचे चले आते हैं। क्या है तो फिर देखती क्या है, बुलाना इशारे से। ऐसा तो फिर देख। हाँ हाँ दिखा दिखा। महंगा सौदा है इसका लुटना जाना, ये सब है जाल इसका, मालूम है हाल इसका, चोरी का है माल इसका, धोखा न खाना। मोदी बोलो मोदी, मोदी बोलो मोदी, मोदी बोलो बो। बाबू आना सुनते जाना, धत धत महंगा सौदा है इसका लुटना जाना।
चश्मा लगा के बबुआ तुम कुकड़ों को बोलना, ततमा लगा के बबुआ तुम कुकड़ों को बोलना। हे 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 ले लो ये खंजर बाबू देखो रवानी, ले लो ये खंजर बाबू देखो रवानी, ले लो ये हंटर भागे दुश्मन की नानी, ले लो ये हंटर भागे दुश्मन की नानी। अरे चाचा तू जा जा, ए जा 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 मुँह धो के आ, तू जा जा, अरे जा 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 मुँह धो के आ। हे बाबू आना सुनते जाना, महंगा सौदा है इसका लुटना जाना, ये सब है जाल इसका मालूम है हाल इसका, चोरी का है माल इसका धोखा न खाना। जंगल की बूटी खाके पत्थर भी तोड़ना, ले लो जंगल की बूटी खाके पत्थर भी तोड़ना, ये है जर्मन का मसाला टूटे बर्तन भी जोड़ना, ये है जर्मन का मसाला टूटे बर्तन भी जोड़ना। ये लड़की पहाड़ी है काटे की लाला, ये लड़के के भेजे में है गड़बड़ घोटाला। अरे जा जा तू जा जा, अरे जा 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 के घास का सौदा है इसका लुटना जाना, ये सब है जाल इसका मालूम है हाल इसका, चोरी का है माल इसको धोखा न खाना। मौजी मौजी बोलो, मौजी मौजी बोलो, मौजी मौजी बोलो, मत लड़ना मुझसे वरना मैं दूंगी गालियाँ। सुनते हो सुनने वालों मारो एक बार तालियाँ, सुनते हो सुनने वालों मारो एक बार तालियाँ। ए रुक जानी कालती मैं तेरा दीवाला, जा रे तू पीस जाके गरम मसाला। अरे चाचा तू जा जा घर जाके आलू भात खा। हे बाबू आना सुनते जाना, महंगा सौदा है इसका लुटना जाना, ये सब है जाल इसका मालूम है हाल इसका, चोरी का है माल इसका धोखा न खाना। बौदी बौदी बोलो, बौदी बौदी बोलो, बौदी बौदी बोलो, बौदी 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 बौ नहीं करता हिसाब करना आता नहीं है, दुकानदारी करने चल पड़ती है। बड़ा आया करने वाला, नहीं करता तो मत कर। पांच रुपए इक्कीस आने, क्या पांच रुपए इक्कीस आने? नहीं इक्कीस रुपया पांच आना, ये लो। अरे एक ही बात, अरे कैसा पैसा, मैंने तुम्हें अभी अभी 100 रुपए का नोट दिया था। हाय हाय 100 का नोट, अरे जा जा मोटर वाली हो के गरीब के गले पड़ती है, शर्म नहीं होती। शट अप, एक तो छोरी ऊपर से सीना दौड़ी,
ए, मुझे चोर कहा तो ठिकाने लगा दूंगी अभी। मेरा नाम चमकी है। ऐसा भी क्या बीबी, अगर दिया होता तो जमीन थोड़ी खा जाती। जमीन नहीं, ये खा जाना चाहती है, चोर कहीं की। खबरदार जो चोर कहा। बीबी जी ऐसी अकड़बाजी मत दिखाओ, नहीं तो यहाँ से जाना भारी पड़ेगा। तुम सबके सब मिलके मुझे डराती हो, मैं पुलिस को खबर देती हूँ। अरे पुलिस को खबर होगी, पीछे पहले मैं तेरी क्या बना दे दी, क्या देगी पानी, छोड़ तेरे कपड़े। ए जा हट जा, हाथापाई करती है, जमाओ। ए अरे दादा पढ़ाया जमाने वाला, उसको कहो। क्या बात है, इसी पर मैंने इसे खरीदी थी, 100 रुपए का नोट इसको दिया, लेकिन ये झूठ बोलती है। मैं तेरी नस्लत पहचानता हूँ, निकाल नोट। कहाँ से निकालूं, मुझे क्या मालूम। निकाल नोट, हाथ तो छोड़ ना तू मेरा, ले। अब कहाँ से निकला बेशरम, चुप, छोड़ मुझे। उठा अपना सामान, लीजिए अपना नोट। शुक्रिया। ए जुमरू ठहरना, मैं भी अपनी दुकान बढ़ा के तेरे साथ चलती हूँ। अरे जा जा, झगड़ा लू कहीं की। क्या हुआ अंजना देवी? कुछ नहीं, यहाँ के लोग बड़े बदतमीज हैं, झगड़ा हो गया। ऐ होने भी तो, इन लोगों से तो हमेशा झगड़ा होता ही रहता है। बैठिए ना। आए पंचर, अरे ये सब इन लड़कियों की शरारत मालूम होती है। दिल को छोड़कर मोटर के पहियों को क्यों पंचर करती है लड़कियां? हैं इनसे पूछी। सुनिए मेरे पास, सुनिए सुनिए सुनिए, मुझे बड़ा दुख है कि आपकी गाड़ी रास्ते बिगड़ गई। जब कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको अपने टिमरू पर घर छोड़ देता हूँ। टिमरू पर? हाँ टिमरू, मेरा जानी दोस्त टिमरू। तुम ही जाओ अपने टिमरू पर, मैं चली जाऊंगी। तब तो दुनिया कहेगी कि लड़की पैदल लड़का घोड़े पर, क्यों टिमरू? दुनिया तो यूं भी कहेगी, लड़की घोड़े पर लड़का पैदल। ना बोलता है, एक काम कीजिए, आप और हम दोनों घोड़े पर बैठकर चलते हैं। क्या मेरा मतलब है, आप भी घोड़े पर मैं भी घोड़े पर। तब तो दुनिया दोनों को बुरा कहेगी। ऐसा तो फिर तीनों ही पैदल चलते हैं, लड़की पैदल लड़का पैदल टिमरू पैदल, क्यों बेटा चला। काफी दिलचस्प मालूम होते हो तुम। कहाँ रहते हो? जी नीचे की बस्ती में। अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? झुमरू। झुमरू, तुम ही झुमरू हो जो रात को गाना गाते जा रहे थे? वो क्या गाना था, बड़ा अच्छा गाना था, ठंडी हवा, ये चांदनी सुहानी। ऐ मेरे दिल सुना कोई कहानी। कितना अच्छा गाना है ये, और तुम तो कितना अच्छा गाते हो। अजी मैं तो कुछ भी नहीं, अगर आप मेरी माँ से ये गाना सुनेंगी ना तो एकदम पागल हो जाएंगी। अच्छा जरूर सुनूंगी। तो फिर चलिए घर अभी, अब तो बहुत देर हो गई है, फिर कभी। अच्छा। टाटा। टाटा अंग्रेजी। अरे क्यों, क्या हुआ? क्या नहीं हुआ? कैसे बात कर रही है? मुझसे नहीं, अपने लाडले झुमरू से पूछो। क्यों, क्या किया उसने? क्या नहीं किया उसने? बाहरी लड़की सीधे सीधे क्यों नहीं बोलती? बात क्या है? कोई ऐसी वैसी बात नहीं है चाची, अगर तुम्हारा लिहाज ना होता तो कच्चा चुबा जाती उसे। किसको? झुमरू को? झुमरू को नहीं, उस शहर वाली चिकनी चुपड़ी गोरी चिट्टी को, जिसके खाते झुमरू ने सारे बाजार में मेरी बेइज्जती कर दी। हाँ, जिसकी इज्जत ही नहीं उसकी बेइज्जती क्या, चोटी कहीं की। चोटी होगी वही तेरी नई नवेली, कैसी मटक मटक कर हंस रही थी, मिलाया उससे छोड़ाया उसे घर तक। हाँ हाँ छोड़ाया, किसी के बाप का डर पड़ा है क्या? अरे मुझे भी तो कुछ बताओ। तुझे क्या पता माँ, वो इसकी पुरानी आदत, 100 का नोट चुरा लिया, मैंने उसे लौटा दिया, लगी है टाई 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 करने। तेरी रिश्तेदार लगती है क्या? देख कह देती हूँ, गांठ बांध कर रख, फिर कभी उस कलमुई को तेरे साथ देखा हा? तो बाल पकड़ कर पहाड़ के नीचे फेंक दूंगी। जिसके कारण ये इतनी लाल पीली हो रही है, कौन है वो लड़की बेटा? अरे छोड़ना माँ, मैं तो इससे तंग आ गया हूँ, इतनी बड़ी हो गई चोरी की आदत ही नहीं छोड़ती, याद रख हम सबको जेल भिजवा के छोड़ेगी। चमकी खाली दे। चमकी कभी झूठ नहीं बोलती है बेटा। तो सच कब बोली? लेकिन तरकारी दे। हाँ
लेकिन आलू दे। लेकिन वो लड़की कौन है बेटा? मजा आ गया, वाह वाह वाह, मजा आ गया लड़की से मिलकर। नहीं नहीं, आलू खाकर, क्या नमकीन आलू है, वाह वाह वाह। लेकिन खाने दे। लेकिन वो खाने दे। लेकिन वो लड़की कौन है? खाने दे, मैं खाने दे। वाह 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 वाह। अरे आप आ गए, आइए आइए। माँ, जीती रहो बेटी, कितनी सुंदर हो, बिल्कुल चांद का टुकड़ा। नाम क्या है तुम्हारा? अंजू, यानी कि अंजना देवी, यानी कि गाड़ी में आई हैं, यानी कि शहर से आई हैं, यानी कि। अच्छा, तो इन्हीं के लिए तो चमके से इतना झगड़ रहा था। इनके लिए नहीं नहीं नहीं, वो तो आलूओं के लिए लड़ रहा था, क्या नमकीन बने थे। बात से चुप कर, आओ बेटी। माँ, जानती है ये यहाँ क्यों आई है? मैं पूछ लूंगी। मैं पूछने से पहले ही बता देता हूँ, ये तेरा गाना सुनने आई है। गाना? अरे मुझे कहाँ आता है गाना उना। सुना दीजिए ना, सचमुच मैं आपका गाना सुनने आई हूँ। नहीं बेटी, अब मेरी उम्र गाने की नहीं है। पर हमारी सुनने की तो है। अच्छा, तो तुम दोनों सलाह करके आए हो? यही समझ ले, लेकिन गा देना माँ। गा दीजिए ना। माँ गा देना तेरा वो गाना। नहीं नहीं बेटा, तू तो जानता है वो गाना मुझसे नहीं गाया जाएगा, मुझे मजबूर न कर झुमरू। देखिए, आप ये ना समझिए कि मैं किसी बहाने से आपको यहाँ लाया हूँ, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, किसी न किसी दिन अपना वादा जरूर पूरा करूंगा। कोई बात नहीं, अच्छा मैं जाती हूँ। ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी, ए मेरे दिल सुना कोई कहानी। लंबी सी एक डगर है जिंदगानी, ए मेरे दिल सुना कोई कहानी। माँ जब भी ये गाना गाती है, इसे ये दौरा पड़ जाता है। अरे, तब तो मुझसे बड़ी भूल हुई, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बता दिया? मैं कभी भी जिद नहीं करती। माँ, अब कैसी तबीयत है? कुछ नहीं बेटा, मैं अच्छी हूँ, तू घबराना। अरे, वो कहाँ गई? कालू, क्या हुआ? सरकार, मलकिन बेबी अभी तक नहीं लौटी। अभी तक नहीं लौटी? नहीं सरकार। जाओ। ठंडी हवा ये
मेरे दिल सुना कोई कहानी, लंबे से एक डगर है जिंदगानी। ऐ मेरे दिल सुना कोई कहानी। अंजना, ये गाना कहाँ से सीखा है तुमने? पसंद आया आपको? मुझे तो बहुत पसंद है। नीचे की बस्ती में बुढ़िया ये गाना बहुत अच्छा गाती है। ऐसा मालूम होता है जैसे मैंने पहले भी सुना हो। तुम नीचे की बस्ती में गई थी? जी हाँ, वहीं से तो आ रही हूँ। कितने अच्छे हैं वो लोग। कौन अच्छा है कौन बुरा है ये सोचने की जिम्मेदारी मेरी है। देखो अंजना, वो लोग हमारी बराबरी के नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आइंदा तुम नीचे की बस्ती में जाओ, समझी? समझी। पहली बात, किसी काम में दखल नहीं देना। दूसरी बात, नीचे की बस्ती में हर किस नहीं जाना। आखिर ये है क्या? कुछ समझ में नहीं आता। करता, सारी दुनिया में ढूंढते ढूंढते थक गया तो। लेकिन तुम्हें इस तरह नहीं आना चाहिए, चलो जाओ। चला जाऊंगा, मगर मैं पूछने आया था कि कल आप बिना बताए क्यों चली आई। क्या बताऊं, तुम्हारी माँ के गाने में कुछ ऐसा असर था जिसे सुनते सुनते मैं तो पागल हुई जा रही थी। मगर इस वक्त तो मैं पागल हुआ जा रहा हूँ। देखिए ना, न ऊपर न नीचे, बीच में लटका हुआ हूँ। अरे ये तो मैं भूल ही गई, तुम ऊपर कैसे आए? अरे ये तो कुछ भी नहीं, मेरा कमाल तो तब देखिए जब मैं पहाड़ पर चढ़ता हूँ। यू आर ए क्लाइंबर, तुम पहाड़ पर भी चढ़ते हो? अरे पहाड़ तो पहाड़, अब तो मैं कुछ ही दिनों में बादलों पर सैर करने वाला हूँ। मुझे भी पहाड़ पर चढ़ने का बहुत शौक है। जब मैं कॉलेज में थी तो सोचा करती थी कि पहाड़ की चोटी पर चढ़कर ऊपर से नीचे देखने में कितना अच्छा लगता होगा। तो फिर हाथ कंगन को आरती क्या? पहाड़ वो रहा, सिखाने वाला ये रहा और सीखने वाला सामने। चलिए ना। नहीं नहीं अभी नहीं, कहीं दरबान की नजर तुम पर पड़ गई तो मुसीबत में पड़ जाओगी। अब तुम जाओ। घबराइए मत, मैं उसे 12 महीने में 13 जड़ी बूटी मिलाकर बनाई हुई भांग की गोली खिलाया हूँ। व्हाट? आराम से 3 घंटे की छूट। माय गॉड, कुछ भी हो मगर अब तुम जाओ। मगर आपने बताया नहीं कि कब और कहाँ मिलेंगी, कहिए तो 2 घंटे बाद फिर यहीं आ जाऊँ। नहीं नहीं, अब तुम यहाँ मत आना, मैं तुम्हें टी गार्डन में मिलूंगी। चा बागान? अच्छा, वादा पक्का ना? वाह 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 मेम साहब, वाह 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 वाह। पिताजी, अरे ये कपड़े पहन के कहाँ जा रही हो? वो पहाड़ पर चढ़ने। पहाड़ पर? वेरी गुड, मैं भी बैठा बैठा थक गया हूँ, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे। लेकिन पिताजी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम्हें क्या मालूम है पहाड़ पर कैसे चढ़ा जाता। चलो मैं बताता हूँ कैसे चलते हैं पहाड़ पर। हाँ बेटा, सबसे पुराना शेर पाऊं साहब, मेरा बाप आपके चाय कमान में काम करता था साहब। सिर्फ 10 रुपए फीस में मैं आपको ऊपर की चोटी तक पहुंचाऊंगा। तो उसे चोटी के ऊपर पूछा, सिर्फ 10 रुपए मांगता है? है उतारियो कौन? उतारेगा भगवान, ये बकवास करता है साहब। मेरे से शेरपा आपको सिक्किम भूटान नेपाल तिब्बत कहीं नहीं मिलेगा साहब। साहब हम बहुत सोचते हैं। सलाम साहब, इनकी बातों मत आइए साहब, हम आपको फर्स्ट क्लास सेल कराएं। साहब मेरी बात सुनिए, इसी साथ में साहब गया था, एक तो मैंने टूट गया था साहब। ठीक है, जोर मत बजाओ। हमारे साथ चलो।
आ गया आ गया। खानदानी शेरपा, नाम रंगा सिंह, तेन सिंह का चेला, सबसे अलबेला, बचपन से जवानी तक पहाड़ों पे खेला। अगर आपको यकीन न हो तो अंग्रेजों के बड़े बड़े सर्टिफिकेट देखिए। इस पर भी यकीन न हो तो लॉर्ड किंग कॉन्ग से पूछिए। इस पर भी यकीन न हो तो गुरुदेव से टेलीफोन पर बात करके पूछिए। आदमी काफी समझदार मालूम होता है। आपका ख्याल गलत है सरकार। क्या? सही है सरकार, ऐसा चढ़ाऊंगा, ऐसा चढ़ाऊंगा कि दो मिनट में पहाड़ आपकी चोटी पर होगा। क्या मतलब ये कि दो मिनट में आप पहाड़ की चोटी पर होंगे? ऐसा कहो। जबान फिसल गई सरकार। सरकार सरकार, ये नया आदमी है। चुप। सरकार ये झूठ बोलता है। चुप। अरे असल पकड़ लो बालियोंबा पाछियों बाबू, आपकी बेबी नहीं चढ़ेंगी? नहीं। देखो अंजना, मैं पहले जाकर पहाड़ पर चढ़ता हूँ, अगर कोई खतरा नहीं होगा तो तुम्हें बुलवा लूंगा। यस डैडी। आया सरकार। कमर को पहाड़ से बांधना पड़ता है। क्या मतलब? मतलब ये कि पहाड़ पर चढ़ने से पहले कमर को रस्सी से बांधनी पड़ती है। ये क्या मुसीबत कर दी यार? क्या मुसीबत है? ये क्या हो गया? क्या हो गया? अब क्या होगा? अब क्या होगा? क्या हुआ? अरे अरे अरे, अब क्या होगा ये तो बताओ। कोई बात नहीं सरकार, नाम रंगा सिंह, तेन सिंह का चेला, सबसे अलबेला, अभी गुरुदेव को टेलीफोन करता हूँ। ठहरिए ठहरिए। हेलो हेलो गुरुदेव, बुरे फंसे, रस्सी बुरी तरह से फंस गई है, निकलने का उपाय बताओ। अबे हट गुरुदेव के बच्चे, सीधी साधी रस्सी उसे निकाल नहीं सकता। ये ले, ये निकल गया। निकल गए, चल जा। निकल गए सरकार, निकल गए। सही सलामत, सही सलामत। अब बता क्या करना। अब एक काम कीजिए, धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाइए। मैंने बड़ी मजबूती से रस्सी बांधी है, दो मिनट में शरीर नीचे आत्मा ऊपर। क्या मतलब ये कि दो मिनट में आप ऊपर? सरकार चलिए सरकार। अच्छा शाबाश शाबाश। वन वन, हाँ वन, टू टू। शाबाश सरकार, शाबाश सरकार, शाबाश सरकार। ठीक है ठीक है सरकार। क्या कर दिया? हाँ बेबी सही सरकार। क्या सही बेबी सरकार? कमाल कर दिया, कमाल जाएंगे। आपके पिताजी को ऊपर लटका के आ गया। क्या? घबराने की कोई बात नहीं, तुम तो ऐसे बेरुखिया बनी, इशारा न करते तो पहचान भी न पाती। आप भी अजीब हैं, अपने पिताजी को साथ आए। मैं क्या करता? मैं भी क्या करती जब पिताजी चलने को तैयार हो गए। अच्छा चलिए आपको पहाड़ की सैर कराऊं। आहिस्ता क्या कर रहा? आपको चढ़ने के पहले सोचना चाहिए था मालिक, ये तो उम्र का तकाजा है। अबे क्या मैं बूढ़ा हूँ? शरीर की तो राम जाने, पर दिल आपका जरूर जवान है मालिक। घबराओ मत सरकार, पहली बार ऐसे ही होता है। मैं आपके लिए तेल लेकर आया हूँ। कैसा तेल? दर्द का अक्षीर इलाज,
तिब्बत की 5, नेपाल की 4 और भूटान की 3, पूरी 12 जड़ी बूटी मिलाकर 11 महीने में 13 महीने तक गुण करने वाला बनाया है। लगाओ और खत्म। कौन खत्म? आपने सरकार, आपका दर्द, हंसते आओ रोते जाओ। क्या मतलब ये कि रोते आओ हंसते जाओ, एक बार लगाओ पूरे 2 महीने तक उठ न पाओ। अबे क्या बकता है? मतलब ये कि एक बार लगाओ पूरे 2 महीने तक आराम पाओ। पकड़ो पहलवान, निकालो। ये वो तेल है सरकार जिसका दुनिया में कोई मेल नहीं। हड्डी जोड़ के रख दो, तेल लगाओ और अलग। मतलब ये कि हड्डी तोड़ के रख दो, तेल लगाओ और जुड़ जाए। हटाओ पहलवान। अबे यहाँ कहाँ मल रहा है? माफ करना सरकार, जगह बतलाइए। गर्दन पर। बेबी आपकी सरकार कहाँ है? क्या मतलब ये कि सरकार आपकी बेबी कहाँ है? होगी कहीं ऊपर, तो मालिश कर। ये तो बहुत ही बुरी बात है, आपको इतनी तकलीफ और वो ऊपर मेम साहब। ओ मेम साहब, कौन चिल्ला रहा है? पिताजी, आपने मुझे बुलाया? सरकार, बेबी ने नहीं, मैंने तुम्हें बुलाया है। क्या बकता है? मतलब ये कि सरकार ने नहीं, मैंने तुम्हें बुलाया है। बच्चों की सेवा से बड़ों को जल्दी आराम पहुंचता है। चलो मदद करो पहलवान। माफ करना, तेल निकालो। लाओ हाथ, लाओ हाथ। बेबी बेबी बेबी, तुम उधर से खींचो, मैं इधर से खींचता हूँ। नहीं नहीं, खींचा नहीं, कोई जरूरत नहीं। जो कुछ समझाना है पहलवान को समझा दो। अंजना तुम जाओ, जाकर काम करो। चलो पहलवान। अच्छा सरकार। लेकिन पिताजी मैं तो क्लाइंबिंग के लिए जा रही थी। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं जाने की। मेरी हालत नहीं देखती हो? और तुम पहाड़ पे से फिसल पड़ी तो? मैं हूँ तो फिर चिंता कैसी सरकार? नाम रंगा सिंह, तेन सिंह का चेला, सबसे अलबेला, ऐसा संभालूंगा सरकार कि अगर ऊपर चढ़ जाए तो सही सलामत नीचे उतर आए। और हाँ पहलवान, सरकार की मालिश धीरे 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 करना, और 1 घंटे के बाद गर्म कंबल से नहलाकर पानी में सुला देना। नहीं पहलवान, गर्म पानी से नहलाकर कंबल में सुला देना पिताजी को। पिताजी मैं जाऊं? अच्छा, अगर जिद करती हो तो जाओ, मगर ठहरो, जरा पहाड़ पर संभल के चढ़ना। जबान चलाई तो जबान खिंचवा दूंगा। कालू ले जाओ इसे, और आइंदा अगर आए तो खोल खींच लेना इसकी। ले जाओ, चल भाग जा यहां से। रमेश आया। बस जी, जी अंजना नीचे की बस्ती में न जाने पाए। लेकिन सर उन्हें पिताजी ने आपके ये भी तो कहा था कि आप महा बेवकूफ हैं। यस सर। इसलिए जैसा कहता हूं वैसा करो, जाओ। यस सर, यस सर। नमस्ते अंजना देवी। माय गॉड, आप माफ कीजिए,
आप ये बताइए, चप्पल पहनी है या सैंडल? सैंडल क्यों? वेरी गुड वेरी गुड। पिताजी ने कहा था बेटा, किसी लड़की से दिल की बात कहनी हो तो देख लो उसके पैर में सैंडल है या चप्पल। आप मुझसे बेफिक्र रहिए, आगे आइए। वेरी गुड। कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? सच? अंजना देवी, आपको अच्छा क्या लगता है? मुझे तो बहुत कुछ अच्छा लगता है। मूली का अचार, ज्वार की रोटी, गोभी पालक की तरकारी। और मैं? आप अच्छे नहीं? बहुत अच्छे लगते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, तब तो सोने में सुहागा हो गया। जब से जलवा देखा है दीवाना हो गया हूँ। नाम रखता रहता हूँ, सपना देखता रहता हूँ। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने कोई न जाने, हाल तो सारा जाने है। अरे ये सब लिख कर लाए हैं? नहीं तो क्या करता, भूल जाने का डर था ना। अंजना देवी, आइंदा से मैं रट कर आऊंगा। पिताजी ने कहा था बेटा, माय सन, लव इज एन एग्जामिनेशन, मोहब्बत एक तरह का इम्तिहान है। अच्छा, पास हुई या फेल? मकतबे इश्क का देखा है निराला दस्तूर कि हम फेल हुए जब हमने सबक याद किया। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। पिताजी ने कहा था बेटा, किसी सुंदरी से दिल की बात कहनी हो तो ऐसी जगह ढूंढो जहाँ जहाँ अरमानों की कलियाँ घिरती हो, जहाँ एकदम अकेला पल हो, बस वही ले चलती हूँ आपको। वेरी गुड वेरी गुड। वाह वाह वाह, आपने जगह तो बड़ी अच्छी ढूंढी, मार्वेलस। क्या बात है अंजना देवी, क्या बात है। पिताजी ने कहा था बेटा, लड़की को दिल की बात बताने के लिए ऐसी ही जगह चाहिए। वेरी गुड, आप जगह देखते रहिए, मैं चली। चली चली पिया के देश। पिताजी ने कहा था बेटा, मोहब्बत के मामले में मुंह मत खोलना, मुंह खोलने की बात आई तो मुसीबत। अब अंजू। हेलो मिस्टर झुमरू। अरे रमेश बाबू, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा हुआ यार, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बात यह है, तुम लोगों में जंतर मंतर जादू टोना जो होता है ना, हाँ। तो तुमको आता है कि नहीं? अरे उसका तो मैं उस्ताद हूँ, कहो तो तुम पे कर दूं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। तुम समझे नहीं। हाँ। बात यह है, एक लड़की लड़की उसको मैं खींचना चाहता हूँ, कोई उपाय बताओ। ये तो बड़ा आसान काम है, हाथ पकड़ो और खींच लो। अरे यार तुम तो सीरियस हो गए मिस्टर झुमरू, क्या है मान से। वो असल बात ये है, वो सामने खड़ी है ना अंजना देवी, वो वो उसका दिल और अपना दिल जरा। ये तो बहुत ही आसान काम है, तुम्हें गाना वाना आता है? क्यों नहीं, पिताजी ने कहा था बेटा कभी गाना मत गाना, नहीं तो सब गधे खींचे चले आएंगे। ठीक है। अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? मेरे हनी होने वाली पास? कभी नहीं, तुम्हें मंत्र सिखाने से मतलब है मिस्टर, सिर्फ मंत्र बताओ, समझे? अगर गुस्सा करोगे तो कुछ भी नहीं बताऊंगा। झुमरू दादा, वो तो जरा सा गुस्सा आ गया था, मंत्र बता दो बस। मंत्र बता दो, सुनो। बदली कमर तिरछी नजर बाहर बख्या कहना तेरा, झुमेरे 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 झुमे दिल मेरा दिल मेरा। ए पतली कमर तिरछी नजर बाहर बख्या कहना तेरा, आई झुमेरे 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 झुमे ढिंग पटा पट ढिंगड़ी पको। लहरा के मस्ती में नचलो झुके झुके, दुनिया ये कहती है कि जरा रुके रुके।
रुके रुके मैं न मानूंगा इसे हा? ये तो बातें हैं तेरी दर? नजर आती है मुझे क्या? दुनिया हरी हरी यार भाई भाई यार भाई भाई यार भाई भाई यार अरे मस्त है ये मस्त हुए वारे बरखुरदार अरे वारे बरखुरदार अरे वारे बरखुरदार दर दर घूमे रे नाच रे नाच रे डटा डटा सनम मेरा झूमे रे झूमे रे झूमे रे झूमे दिल मेरा दिल मेरा ए पतली कमर तिरछी नजर बाहर बका कहना दे ओ झूमे रे झूमे रे झूमे रे झूमे रिंग पटा पट ढेंगड़ी पाखा जन कैसी घबराहट हुई जाती है तुझे अरे रे रे हंसी आती है मुझे जन कैसी घबरा हुई जाती है तुझे अरे रे रे हंसी आती है मुझे मेरी उल्फत ओ सनम बड़ी मुश्किल में फंसी मैं कहूँ दर्द जिगर तुझे आती है हंसी जांची केड़ो का मुझे खोचिया डीड़े पो बाकरू नो कंचन के का खोचिया नेड़ो दीदी बीनाई गिरेंचा ओ धड़ रे पकड़ रे गिरा गिरा सनम मेरा झूमे रे झूमे रे झूमे रे झूमे दिल मेरा पतली कमर बाबूजी ने कहा था बेटा झूमे रे झूमे रे झूमे रे झूमे रिंग पटा पट ढींगड़ी पको कहते हैं मोहब्बत ये बता मेरी कसम न मैं समझूं न मैं जानूं अभी नादा हूँ सनम किसे कहते हैं मोहब्बत ये बता मेरी कसम गाए और झूमे जाए दीवाने बने बने मैं किसी की न सुनूं तू किसी की न सुने चलती रहे कुछ तेरी ज़बा कुछ मेरी ज़बा सनम मेरे झूमे रे झूमे रे झूमे रे झूमे दिल मेरा ये पतली कमर तिरछी नजर बाहर रमेश तुम आ गए रंजना कहाँ है आती होंगी सर सर आज तो मजा आ गया क्या हुआ सर मैं बिना बंसरी बजाए कृष्ण कन्हैया रात रतैया बन गया था और देखते ही देखते मैं लड़कियों के झुंड में घुस गया और मैंने वहां उनसे बहुत प्यार की बातें की इस बीच में अंजना देवी चली गई कहाँ चली गई वो झुमरू है ना उसके साथ चली गई पिताजी ने ठीक कहा था बेटा किसी के कहने से किसी को प्यार कभी मत करना चुप रहो चुप तुम में जरा अकल नहीं है कैसे चली गई क्यों चली गई आप ये क्या कर रहे हैं फादर ने कहा था कोई बुजुर्ग नाराज हो तो दस्तक जरूर गिन लेना गिन रहा था बेवकूफ गवा कहीं का लड़की न जाने किस जंगली के साथ चली गई तो खड़ा खड़ा मुंह देख रहा मैं शर्म नहीं आती बेवकूफ कहीं का मिस्टर रमेश मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी सर सर अंजना देवी आ गई देख रहा हूं मेरी आंखें हैं आप भी अजीब हैं मुझे अकेले जंगल में छोड़ दिया और खुद आराम से कार में चले आए फिर तुम किस तरह आई मैं पैदल चलकर आई हूँ फादर ने कहा था पैदल चलने से तंदुरुस्ती अच्छी होती है जो बे फादर के बच्चे अंजना तुम्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि नीचे की बस्ती वालों से मैं झुमरू ना पिताजी अगर वो झुमरू ना होता तो आज मैं बिल्कुल खो गई होती ये ठीक है लेकिन तुम्हें हमारी बातें याद है पिताजी पहली बात आपके काम में दखल नहीं देना दूसरी बात बस्ती के लोगों से बिल्कुल मेलजोल नहीं रखना तीसरी बात जहाँ जाओ अकेले मत जाओ समझ गई पहली बात याद है दूसरी बात याद है तीसरी बात जहाँ जाना अकेले नहीं जाना पहली बात याद है रमेश सुनो अगर आज से रंजना कभी नीचे वाली बस्ती में गई ना तो तुम्हारी खैर नहीं ये सर कमाल है बाप की सुनो तो मुसीबत बेटे की सुनो तो मुश्किल फादर ओ फादर
तुमने कहा था ना बेटा, बेटी के मामले में कभी पढ़ना नहीं चाहिए। सॉरी, यू आर इन हेवन फादर, रॉन्ग नंबर। सुनो सुनो सब लोग सुनो, मैंने आज तुम सब लोगों को बहुत जरूरी काम से बुलाया है। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मेरे जीते जी सरदार का चुनाव हो जाए, ताकि मैं उसे कुछ सिखा सकूं, समझा सकूं और इस गद्दी के काबिल बने से संभाल सके। सरदार ने बिल्कुल ठीक कहा, हमें ऐसे आदमी का चुनाव करना है जो होशियार हो, हिम्मत वाला हो और सब भाइयों का प्यारा हो। हाँ बाबा ठीक कह रहे, बिल्कुल ठीक कह रहे बाबा। अगर मेरी मानो तो हरिया को सरदार बना दीजिए। हाँ। पूरे कबीले भर में अगर किसी को सरदार बनने का हक है तो वो मेरे झुमरू को है। झुमरू और सरदार? चाची, सरदार बनना कोई आसान काम नहीं है। शहर की लड़कियों के पीछे भागना और बात है और सरदार बनना और बात। बनना? ए, झुमरू के लिए ऐसी वैसी बात निकाली तो गरम चिमटे से तेरी जुबान खींच लूंगी। चमकी जा जा, गरज कर बोलना और आंखें दिखाना और बात है, और सरदार बनना और बात। सारे कबीले में सबसे बहादुर और हिम्मत वाला झुमरू के सिवा कोई नहीं। फिर भी सरदार मैं ही बनूंगा। सब लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी अपने मन के लड्डू फोड़ रहे हैं। चाची, कहां है तेरा झुमरू? आज मेरे डर से वो यहां आया भी नहीं। आया नहीं तो आ जाएगा। झुमरू को मैंने इस लायक बनाया है कि वो तुम्हारा सरदार बने और पूरे कबीले की जिम्मेदारी संभाल सके। यही मेरी खुशी है, यही मेरी जिंदगी है। ठीक है ठीक है, चुनाव में खड़े होने का सबको हक है। फैसला खुले आम होगा, जैसा कि अपने कबीले का कांटा है। मुकाबले में जो जीतेगा वही है। मेरे झुमरू को तो बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मेरा झुमरू मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं चल सकता। झुमरू ही सरदार बनेगा और इसी कबीले की लड़की के साथ उसकी शादी होगी। बस तुम जैसे जलने वालों को मुंह की खानी पड़ेगी, समझे? चाची, तू एक ऐसा सपना देख रही है। सुना नहीं, झुमरू की शादी इसी कबीले की लड़की से होगी। लेकिन सरदार बनकर तेरे हाथ तो मैं पकड़ने वाला हूँ। बड़ा आया हाथ पकड़ने वाला, अपनी सूरत चुल्लू भर पानी में धो गया। अब यह हाथ जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। सच्ची? तुझे कसम है जो जिंदगी भर ये हाथ छोड़े। तू चल हट। आज ये हाथ छोड़ा है, कल तुझे ये पाँव पकड़ने पड़ेंगे। वो तेरी छह छबीली शहर वाली आज यहाँ नहीं आने वाली। तुझे कैसे मालूम? मैं नहीं बोलूंगी कि उसके घर बहुत धूमधाम है, बहुत बड़ी दावत है। अच्छा मत बता। रुक रुक, वहां जाएगा तो धोखा खाएगा। मिस्टर रानी, आपकी शिकार कैसा रहा आपका? अजी, हम क्या शिकार खेले, शिकारी तो आप है द्वारका जी। अरे मजाक मजाक में आप तो कभी सच्ची बात कह देते मिस्टर शाहपुर। ये हमारे रिटायर डिप्टी कलेक्टर मिस्टर माथुर, ये इनकी भी। नमस्ते। आओ, तुम्हें एसडीओ से मिलवाऊं। ये है एसडीओ हमारे मिस्टर दलीप सिंह, ये इनकी बेटी। नमस्ते। मेहरबानी। ये है मिस्टर शाहपुर, इनकी बीवी शीरीन, लड़की प्रीत। नमस्ते। किसी दिन हमारे यहाँ आई ना अंजना देवी जी। आऊंगी। आइए रंजन साहब, नेवर माइंड, भूल जाता हूँ। सर आता हूँ। आपको ये जगह कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, मैं अभी आती हूँ। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम वादा करके नहीं आई, इसीलिए तो मुझे आना पड़ा। मैं इस पार्टी की वजह से नहीं आ सकी। तो फिर चलो बाहर चले। यहाँ आने की क्या जरूरत थी तुम्हें? कैसे ना आता, कितना जरूरी काम था। क्या जरूरी काम था? अरे इतनी जल्दी भूल गई,
वो हमारा त्योहार सरदार का चुनाव, वो सब मुझे याद है, मैं आ जाऊंगी। चलो तुम जल्दी से चले जाओ। मैं तो नहीं जाऊंगा। अंजू सलाम मेम साहब। सलाम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी जी चलने की खबर मिली तो जलसा आया, जलसे की खबर मिली तो चला आया। हाँ हाँ बहुत ही बकवास, बहुत ही शानदार है। इतनी धूमधाम इस इलाके में कभी किसी की हानि नहीं हुई। मैं बुल बुनाए, मैं बुल बुनाए, मैं बिन बुलाए चला आया। कोई बात नहीं, लेकिन सरकार अब आपकी कतियत कैसी है? क्या तबीयत कैसी है? ठीक है, वो तो होनी चाहिए। याद है ना पूरे 12 महीने में 13 जड़ी बूटी मिलाकर बनाया हुआ तेल। मालूम। लेकिन सरकार फिर ना तो आप पहाड़ पर चढ़ने आए और ना उतरने, रास्ता आपका पहाड़ देखते देखते थक गया। क्या बकते हो? पहाड़ आपका रास्ता देखते देखते थक गया, फिर आते फिर चढ़ते फिर गिरते फिर मालिश कर देता। मुझे पहाड़ पर चढ़ने का कोई खास शौक तो है नहीं, उस दिन वही चला गया था। एक बात और बेबी, सरकार आपकी बेबी को पहाड़ पर चढ़ना और चढ़कर उतरना तो सिखा दिया, मगर अभी तक बेबी नहीं मिली, बख्शीश नहीं मिली। मिल जाएगी, बैठो मिठाई खाता हूँ। आओ रसगुल्ला बेबी खाओ। इधर तशरीफ लाइए। प्यारे मित्रों, मैंने आप लोगों को यहां आने की जो तकलीफ दी है उसकी एक खास वजह है। मैं आप लोगों को एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, पहले मैं इनका आपसे तारुफ करवा दूं। ये है मेरी लड़की अंजना, जो एमए पास करने के बाद पहली बार यहां आई है। ये है मेरे सेक्रेटरी मिस्टर रमेश, जो काफी दिलचस्प आदमी है। ऐसे अच्छे मौके पर आप लोगों के सामने मैं इन दोनों की सगाई का ऐलान करता हूं। कांग्रेचुलेशन अंजना देवी, बाबूजी ने कहा था बेटा। मेरी तरफ से भी मुबारक हो अंजना देवी, देर से ही सही, मगर आपने एहसान किया जो मेरी गलत फहमी दूर कर दी। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे गलत ना समझो झुमरू। झुमरू? तो तुम झुमरू हो, तुमने आज तक मुझे धोखे में रखा। पिताजी। कालू। पिताजी, पिताजी। ले जाओ इसे और इसकी खाल उधेड़ डालो। कालू। अंजू। क्या हुआ द्वारका जी, क्या बात है, कौन था ये? कोई खास बात नहीं, नीचे की बस्ती वाले लोग हैं, बख्शीश मांगने चले आते हैं। आप लोग परेशान ना हो, चलिए खाने पर चलिए। तस्वीर रखिए। चलो। क्या चमकती है सच में। हाँ। अरे जिसे तुम ढूंढ रही हो वो तो यहीं है। कहाँ है? तेरे कदमों में। ये मेरा जख्मी दिल, संभाल ले, संभाल। अरे अरे ये चोट कैसे लगी? अरे जमीन पर रेंगने वाला कीड़ा जब आसमान के चांद को छूने की कोशिश करेगा तो यही होगा। क्यों हरिया? हाँ भैया, मुंह उठा के चलेगा वो ठोकर खाएगा ही, और ठोकर भी ऐसी कि ना नहीं याद। क्या तूने ठोकर नहीं खाई? तेरे तो कितनी बार हाथ पैर टूट चुके हैं। अरे यहाँ तो दिल भी टूट चुका है। हाथ पैर किसके टूटते हैं ये तो कल चुनाव में पता चलेगा। कल क्या पता चलेगा? कल झुमरू सरदार बनेगा। अरे मेरे होते हुए वो बुजदिल सरदार बनेगा? वो देख दुम दबा के भाग रहा है। देख बन्नू, मुझे सरदार बनने की कोई चाह नहीं। अरे तू क्या खाकर सरदार बनेगा? जा बेटा, जाके अपनी माँ की गोद में सो जा। खामोश। अगर मेरी माँ का नाम लिया तो क्या होगा? नहीं जोश है तो कल चुनाव में दिखाना।
चाची कल अपने लाडले को चुनाव में भेजना नहीं भूल जाना। अरे जा जा। माँ मैं सरदार नहीं बनना चाहता। झुमरू जो अब कहा तो फिर कभी मत कहना, तुझे सरदार बनना पड़ेगा, अपने लिए ना सही बेटा, मेरे लिए, मेरी इज्जत के लिए। क्या तू अपनी माँ के लिए इतना नहीं कर सकता? हाँ बोल, हाँ बोल बेटा। झुमरू अगर तेरी खुशी इसी में है तो मैं सरदार बनने की कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, तू जरूर बनेगा बेटा, तू जरूर बनेगा, तू जरूर बनेगा। सुनो भाइयों, नाम राजा का, काम प्रजा का, हुक्म कबीले के सरदार का। आप सब लोग बस्ती के चौक में जमा हो जाओ, अभी सरदार के चुनाव का मुकाबला शुरू होने वाला है। सुनो, अब झुमरू और बन्नों में आखिरी मुकाबला शुरू होने वाला है। अच्छा,
ये तो बाजीगरों का खेल है। मर्द है तो सामने आ। के आखिर में जो लड़की सबसे पहले झुमरू को माला पहनाएगी उसी के साथ उसकी शादी होगी। बड़ी खुश हो रही है। तू सब देखते ही रह जाओगी। शादी तो मेरी ही होगी झुमरू के साथ। प्यार के जमाने आज कहां लग गया नी, आए प्यार के जमाने आज कहां लग गया नी, दुल्हन को मनाने चल हट रे दीवानी, दुल्हन को मनाने चल हट रे दीवानी। ऐसे तो नहीं मैं तेरे दर से हटूंगा गोरी, जी न सकूं तो अब मर के रहूंगा गोरी, दिल में यही है कुछ करके हटूंगा गोरी। हो, 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 हो। आजा तू आजा, अजना 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 अजना, जा जा तू जा जा, कभी ना कभी ना कभी ना कभी ना, आजा तू आजा, अजना 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 अजना, जा जा तू जा जा, कभी ना कभी ना कभी ना कभी ना, आजा तू आजा। Ha ha ha!
सुनता है कम, रखो दिल को सनम, दिल सुनता है कम, झूठी बातें हैं बलम, ले लो प्यार की कसम, झूठी बातें हैं बलम, ले लो प्यार की कसम। प्यार हमेशा से है अकल गंवाने वाला, फूल समझ कर शोले को उठाने वाला, आग से खेले वही जो है जल जाने वाला। आजा तू आजा, अजना 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 अजना, जा जा तू जा जा, कभी ना कभी ना कभी ना कभी ना, आजा तू आजा, अजना 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 अजना, जा जा तू जा जा, कभी ना कभी ना कभी ना कभी ना, आजा तू आजा। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार है जो आज मुझे तेरे साथ आना पड़ा चमकी। आखिर तू जीत गई, तेरी जीत पूरी हुई, मगर याद रख तुझे मेरा प्यार कभी नहीं मिल सकता। चाहे मैं सरदार बनूं या कबीले की इज्जत का सवाल हो, मगर जिसे मैंने एक बार प्यार किया हो उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। किसे? अब मुझे उसका नाम लेने का कोई हक नहीं। अंजू तुम? हाँ झुमरू, उस दिन की गलत फहमी की वजह से तुम मुझे गलत ना समझो। वो तो पिताजी की जिद के सामने मुझे अपना सर झुकाना पड़ा। तुम्हें याद है मैंने तुमसे वादा किया था जब तुम कबीले के सरदार बनोगे तो मैं जरूर आऊंगी। मैं आ गई, मगर उस दिन तो तुम्हारी शादी का ऐलान हो गया था। वो गलत था, जोर जबरदस्ती तो किसी के साथ भी हो सकती है। कबीले वालों ने तुम्हें रोका, पिताजी ने मुझे, लेकिन प्यार के तूफान को कोई नहीं रोक सकता। अंजू, तुम्हें अब भी यकीन नहीं? अड़ी अड़ी आई थी, अड़ी अड़ी आई थी, थोड़ा डे You did it. बह के कदम कुछ हमें भी सनम, हो गया 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 गया, भूल भूल मन मेरा कहीं रे सजन, हो गया गया गया, रू 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 रू, भूले कुछ कहो अब तुम,
छुम 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 हे नजर गुम सुम गुम सुम गुम सुम गुम हम तो सब भूले हे हे कुछ कहो अब तुम हा ये तेरा जाना जाके फिर आना आके शर्माना एक फसाना हो 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 गया 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 ए भूल भूल मन मेरा कहीं रे सजन हो गया 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 बह के कदम कुछ हम विसनम हो गया 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 ए भूल भूल मन मेरा कहीं रे सजन हो गया गया तुम हो क्यों बेकल क्यों ढला काजल चांद के मुख पे क्यों उड़े बादल तुम हो क्यों बेकल कल 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 क्यों ढला काजल चल 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 चांद के मुख पे हे 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 क्यों उड़े बादल जादूगर तेरे नैनवा तेरे प्यार में खो के दिल दीवाना हो गया 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 भूल भूल मन मेरा कहीं रे सजन हो गया 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 बह के कदम कुछ हम विसनम हो गया 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 हे भूल भूल मन मेरा कहीं रे सजन हो गया गया अच्छा क्या हुआ तुमको हा तुम गए जब मिल मिल के हम गए खिल खिल के रह गया दिल मैं दीवाना हो 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 गया 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 ए भूल भूल मन मेरा कहीं रे सजन हो गया गया ए बह के कदम कुछ हम विसनम हो गया 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 भूल भूल मन मेरा कहीं रे सजन अंजना कहाँ है ये रही लेकिन हम इसे जाने नहीं देंगे जिसने हमें बर्बाद करने की सोची जिसने हमारे रिवाजों का मजाक उड़ाया इसे पूरी सजा मिलेगी बकवास बंद करो हमें लाल पीली आंखें क्यों दिखाते हैं सरकार गलती हमारी नहीं आपकी लड़की की है उसने जो कुछ किया है उसकी सजा उसे मिलनी ही चाहिए चुप रहो अपनी औकात मत भूलो मैं चाहूं तो तुम लोगों को मसल कर फेंक सकता हूं तहस नहस कर सकता हूं अपनी इज्जत अपने हाथ होती है सरकार तुम भी इंसान हो भगवान नहीं हमार कालू पिताजी गाड़ी में बैठो आप अंजना को नहीं ले जा सकते कबीले के कायदे से अंजना की शादी मेरे साथ होगी अगर एक कदम और आगे बढ़ाया तो सीना छलनी कर दूंगा बंदूक हटा लो सामने से और अंजना को मेरे हवाले कर दो अगर ऐसा ही है तो पहले मुझ पर गोली चलाइए झुमरू ध्यान ले जा अपनी बेटी को बंद करके रखो अपने घर में छोड़ दूंगी
छोड़ दो मुझे। झुमरू होश में। देख लिया आपने बेटे की करतूत? अंजना, अंजना, तू नहीं समझती माँ, मैं किसी भी हालत में द्वारकानाथ के जुल्म नहीं चलने दूंगा। चुप रह, मेरी बात का जवाब दे, क्या अंजना उन्हीं की बेटी है? हाँ माँ, बेटी है। तू उसे बहुत चाहता है? जान से भी ज्यादा। और वो? वो भी। एक बार मुझे उससे मिला दे बेटा। सच माँ? तो चल मेरे साथ। पगले, तू ऐसा कर, उसे यहाँ ले आ। अच्छा। और सुन, ये बात किसी को मालूम ना हो। झुमरू, तू यहाँ क्यों आ गए? पिताजी कल की बात से अभी देश में है। मैं तुमसे ना मिल सकूं, तुम्हारे पास ना आ सकूं, इसलिए मुझे यहाँ कैद कर दिया है। तुम जल्दी से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें जान से मार डालेंगे। झुमरू, नहीं अंजू, मुझे अब किसी की परवाह नहीं है। मैं तुम्हें लेने आया हूँ और लेकर जाऊंगा। लगता है तुम्हारे पिताजी की गाड़ी। क्या होगा? घबरा मत, आओ मेरे साथ। कोई मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकता, तुम्हारे पिताजी भी नहीं। ये कैसे होगा? मैं तुम्हें भगा ले जाऊंगा और तुम्हारे पिताजी मुंह देखते रह जाएंगे। सच झुमरू, तुम मुझे इतना प्यार करते हो? हाँ अंजू, जान से भी ज्यादा। सच? झुमरू,
भी बड़ी है छम छम दूंगा भुला ये सरगम आई बड़ी है छम छम दूंगा भुला ये सरगम सारेगा मामा रेगा मामा मामा रेगा मामा मामा रेगा पापा पानी पानी पापा पानी पानी पापा पानी नी 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 जाने दे बाबालो बाबालो बाबा ए बाबालो बाबालो बाबा हालत में मैं तुम्हारी बेवकूफी की वजह से अपनी इज्जत पर दाग नहीं लगने दूंगा तुम्हारी जिद की वजह से अपनी हालत को कभी जलील नहीं होने दूंगा आपकी नजरों में भले ही प्यार की कोई कीमत न सही लेकिन इस झूठी इज्जत गैरत दौलत दुनिया की हर चीज को मैं प्यार के लिए ठुकरा सकती हूँ इस घर में तुम्हारा नहीं मेरा फैसला चले मत छुइए आज आपने मुझे मारा इसलिए कि आप पिता हैं अगर मेरी मां अंजना बेटी बिहारी चाचा आप यहां जैसे इधर आए बिना इतने साल गुजर गए आज बिना आता मगर तुम्हारे लिए आना पड़ा जिस दिन से तुम यहां आई हो द्वारका ने तुम्हारे साथ एक दिन भी ऐसा सलूक नहीं किया जैसे एक बाप अपनी औलाद के साथ करता और आज तो पिताजी ने मुझ पर हाथ उठाया झूठी इज्जत के घमंड में वो जालिम क्या नहीं कर सकता तुम्हारी मां भी उसके जुल्म का शिकार होकर आज तक आंसू बहा रही है जिंदा है मेरी माँ बिहारी चाचा कहाँ है मेरी माँ मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे पांव पड़ती हूँ कहाँ है मेरी माँ जल्दी बताओ कहाँ है मेरी माँ यही बताने आया हूँ बगैर बताए वे तूफान नहीं करेगी तुम्हारी माँ बेचारी गरीब और मजदूर थी मगर बहुत भोली और खूबसूरत द्वारका ने उसको देखा दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे बात बढ़ती गई तुम्हारा जन्म हुआ लेकिन लाखों मिन्नतों के बाद भी उस घमंडी ने ब्याह करने से इनकार कर दिया उस बिचारी का दिल टूट गया मगर तुम्हारी मुस्कुराहट ने उसके आंसू पोंछ दिए वो तुमको लेके कबीले चली गई
द्वारका को तुम्हारी माँ के जाने का तो दुख नहीं हुआ, मगर एक शैतान को भी अपनी औलाद प्यारी होती है। इसी जज्बे में एक दिन रात को वो कबीले पहुंचा और तुमको तुम्हारी माँ से जबरदस्ती छीन लाया, फिर तुमको शहर भेज दिया। तो क्या मैं उसी खून की हूँ? हाँ बेटी, कबीले वालों ने तुम्हारा बदला मुझसे लिया, मेरे बेटे को उठा ले गए जिसके सदमे में मेरी औरत गुजर गई। द्वारका ने मुझसे धोखा करके सारी जायदाद अपने नाम लिखवाई। द्वारका से मुझे सिर्फ नफरत और धोखे ही नहीं, बल्कि दो वक्त का खाना और हम गलत करने के लिए शराब भी मिली, जो भी मिल रही है। लेकिन मेरी माँ कहाँ है? मैं उनके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। बताइए, आपको मुझ पर दया नहीं आती? बेचारी बंजारन कमली औरत नहीं, देवी है। क्या नहीं, अगर तुमको अपनी माँ का पता मालूम करना है तो बंजारों की बस्ती में चली जाओ, कमली से पूछो, वो तुम्हें तुम्हारी माँ का पता बता देगी। अंजना को उसकी माँ के बारे में क्या कहा है? द्वारका, याद रखो, सच्चा शराबी कभी झूठ नहीं बोलता और न किसी पर जुल्म होते देख सकता है। तुमने उसकी माँ की जिंदगी बर्बाद की, अब अपनी जिद में अपनी बेटी के अरमानों को मिट्टी में मिलाना चाहते हो? मैं ज्यादा बहस करने का आदी नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुमने अंजना को क्या कहा है। जो उसे जानना चाहिए था, मगर इसलिए नहीं कि मैं अपनी बर्बादी का बदला तुमसे लूं। मैं दौलत के मुकाबले में इंसानियत को तरजीह देता हूँ। मैं तुम्हारी इंसानियत को मसल कर फेंक सकता हूँ। इज्जत के झूठे गमन और खानदानी खुदगर्जी के नाम पर किस किस की बेच जाओगे द्वारका? दोस्त हो गए, मुझे धोखे से तबाह किया, जिससे प्यार किया उसे पत्नी का दर्जा नहीं दिया, और आज अपनी औलाद को तबाह करने पर आमादा हो गए हो। जबान को लगाम दो, ये मत भूलो कि तुम मेरे टुकड़ों पर पलते। ये टुकड़े मुझसे ही छीने हैं तुमने। बिहारी, द्वारका, याद रखो बिहारी, अगर अंजना को उसकी माँ का नाम या पता मालूम हो गया तो मैं तुम्हें जान से मर डालूंगा। तुम जिंदगी भर इसी का सहारा लेते रहे हो, मगर अब मुझे अपनी जान की परवाह नहीं। लेकिन अब क्या हो सकता है, तीर तो कमान से पहले ही निकल चुका। क्या मतलब? अब माँ बेटे को मिलने से तुम नहीं रोक सकते। वो देखो, वो जा रही है तुम्हारी बेटी नीचे के बस्ती में, बदनसीब कमली उसे बताएगी कि उसकी माँ कौन है। मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई है? इस होटल की मालिकन कमली है ना? तुम ही कमली हो? मुझे मालूम हुआ है कि तुम अंजना की मां के बारे में बहुत कुछ जानती हो, क्या यह सही है? जवाब दो। मैं तुम्हें आगाह करने आया हूं कि अंजना को इस असलियत का पता नहीं चलना चाहिए, समझे? मैं ऐसी जगह पर आना अपनी तौहीन समझता, मगर बेटी की भलाई के लिए मुझे आना पड़ा। यह तुम्हारी खुशकिस्मती है तो मैंने तुम्हारे झोपड़े में कदम रखा। आप ठीक कहते हैं सरकार। यह पैर छूने का नाटक छोड़ दो, मुझे मालूम है कि तुम लोगों की जबान बंद रखने के लिए कीमत देनी होती है। ये लो। हर चीज पैसे से खरीदने की आपकी आदत अभी तक नहीं गई कमली। कमला, तुम अपनी बेटी के बदनसीब माँ को
पहचाना तो सही आपने। मैं नहीं जानता था कि तुम यहाँ। इसलिए ना कि मैं मजबूर हूँ, बेबस हूँ, आपके जुल्म का शिकार। आपने मतलब आपने मुझे धोखा दिया, अपनी इज्जत के झूठे घमंड में मुझे बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया, मेरी बच्ची को मुझसे छीन लिया, बाप के पत्थर दिल ने माँ के ममता भरे कोमल मन पर ऐसी ठोकर मारी जिसका जख्म कभी नहीं भर सका, कभी नहीं, कभी नहीं। देखो कमला, इन बातों को दोहराने से कोई फायदा नहीं, तुम्हारा नहीं लड़की की जिंदगी का सवाल है। मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ, मैं उसकी माँ हूँ। मैं उसका बाप, मैंने माँ और बाप दोनों का प्यार उसे दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया, लिखाया पढ़ाया, इज्जत आबरू शान शौकत धन दौलत तालीम और तहजीब के दायरे में रहने के बाद जब अंजना को अचानक मालूम होगा कि तुम उसकी माँ, तुम्हारे खून से उसका वास्ता है, जाहिल कंवार जंगली लोगों की बस्ती, ये उसका घर, तो उस पर क्या बीतेगी? ये जमीन आसमान का फर्क वो किस तरह बर्दाश्त करेगी? उसकी जिंदगी, उसके सपने, उसके अरमान सब मिट्टी में मिल जाएंगे। साथ ही आपकी इज्जत और झूठा घमंड भी मिट्टी में मिल जाएगा, जिसे आप माँ की ममता और बेटी के प्यार से ज्यादा समझते। बेटी को गले लगाने के लिए 20 साल से मेरी बाहें फड़क रही, आंसू पर उसकी कीमत आपको अदा करनी होगी। बोलो क्या कीमत चाहती? दुख के बदले दुख, आंसुओं के बदले आंसू, जो कुछ मैंने जिंदगी भर बर्दाश्त किया है वही आपको भी बर्दाश्त करना होगा। याद रखिए, जुल्म का बदला लेने का मौका जिंदगी में एक बार हर इंसान को मिलता है। मैं ज्यादा बहस करना नहीं चाहता, तुम जानती हो कि मैं इस इलाके का मालिक हूं, चाहूं तो इस बस्ती का नाम और निशान मिटा दूं, मगर मुझे अंजना की भलाई के लिए तुम्हारे पास आना पड़ा। अगर तुम उसकी मां होने का दावा करती हो और सचमुच तुम्हारे दिल में मां की ममता है, तो ये राज अंजना को नहीं मालूम होना चाहिए कमला। सरकार गजब हो गया। क्या हुआ? सरकार में बिहारी बाबू खाना देने गया था, कमरे में सब चीजें उल्टी सीधी पड़ी हुई हैं। फिर बिहारी बाबू कहीं पता नहीं है सरकार, और टेबल पर ये चिट्ठी रखी हुई थी। बहुत अच्छा, ये ले जाओ चिट्ठी, जहां से उठाई है वहां रख दो और किसी को मालूम ना होने पाए। बहुत अच्छा सरकार। तुम मेरी माँ हो? माँ! दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो! मुझे बताओ मेरी माँ कौन है? बोलो माँ, बोलो, क्या तुम मेरी माँ हो? मैं नहीं जानती, चली जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हारी कोई माँ नहीं। एक बंजार में तुम्हारी माँ कैसे हो सकती? कहाँ तुम्हारा खानदान और कहाँ मैं? चली जाओ, चली जाओ यार। मैं बड़ी आशा लेकर तुम्हारे पास आई, निराश ना करो माँ। जल्दी उतरिए। हटिया सामने, मैं जानती हूँ। क्या किया है मैंने? आखिर क्यों हो रही है बेइज्जती मेरी? बेइज्जती मेरी हो रही है तुम्हारी वजह से। शायद इसीलिए आपने माँ बेटी के बीच में अपनी छोटी इज्जत की दीवार बना रखी है। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो अंजू, यकीन मानो मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारी माँ जब वो इस दुनिया में नहीं है तो तुम्हें कैसे मिल सकती? आज नहीं मिली, किसी ना किसी दिन जरूर मिलेगी। बिहारी चाचा मुझसे कभी झूठ नहीं बोलते।
अगर तुम्हें मुझसे ज्यादा बिहारी की जबान का यकीन है तो अभी जाहिर हो जाएगा कि उसने तुमसे जो कुछ भी कहा है शराब के नशे में कहा है। आओ मेरे साथ। आ गया, जिंदगी से थक गया हूँ, मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ इससे किसी को कोई मतलब नहीं, चाहे मरूं चाहे जिंदा रहूं किसी को मुझसे कोई सरोकार नहीं, अपनी जिंदगी या मौत का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। खुदकुशी कर ली उसने। जी? तुम्हें उसने बरगलाया था ना, असलियत से डर कर मौत के मुंह में जा छुपा। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, उन्हें खुदकुशी करने की क्या जरूरत थी, उन्होंने ऐसा क्यों किया, किस लिए? इसलिए कि जो कुछ तुम्हें उसने कहा था झूठ कहा था, अब तुम्हें सच मालूम हो चुका है। माँ, कल रात अंजू यहाँ आई थी। हाँ। और सुना कि द्वारकानाथ अपने आदमी के साथ यहाँ कर उसे जबरदस्ती ले गया। हाँ। तूने तो रोका था कि नहीं? पराए बेटे पर अपना क्या हक होता है बेटा? ये तो क्या करी माँ, तूने तो कहा था कि तू उसे मिलना चाहती है, जब वो खुद यहाँ चलकर आई तो। वो मेरी भूल थी, मैं अपनी भूल समझ गई। माँ, ये तुझे क्या हो गया, तू जरूर मुझसे कुछ छिपा रही है। उनसे अपना कोई वास्ता नहीं, वो अमीर हम गरीब, छोटे बड़े का कभी मेल नहीं हो सकता। धन दौलत इज्जत आबरू क्या नहीं है उनके पास, और हम जाहिल गंवार जंगली, जमीन आसमान का ये फर्क अंजना कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। उसकी जिंदगी, उसकी अरमान सब मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन मैं अपनी जिंदगी, अपने अरमान मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। झुमरू, झुमरू कहाँ जा रहा है? तुम अंदर नहीं जा सकते, हट जाओ। तुम? हाँ। तुम यहाँ क्यों आए? आप जानते हैं मैं क्यों आया हूँ। इतने तैश में आने की क्या जरूरत है, तुम्हें अंजना से मिलना है ना? जी हाँ। इससे पहले कि तुम अंजना से मिलो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। मुझसे? हाँ चुमरू, मैंने सोचा है कि मैं अंजना की शादी कर दूं। शादी किससे? चाहती तो वो तुम्हें। जी मैं भी उसे चाहता हूं। तो तुम एक दूसरे को चाहते हो? एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। तो मुझे शादी पर कोई इतराज नहीं है, मगर इसके बारे में अंजना से भी कुछ पूछ लेना चाहिए। तुम ठहरो, मैं उसे भेजता हूं। अंजना, झुमरू आ गया। पिताजी, मैं चाहता हूं कि शादी का फैसला आज ही हो जाए। शादी का फैसला? हाँ, और तुम्हें इस शादी से इनकार करना होगा। मैं कभी भी नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। इस वक्त झुमरू की जान का सवाल, तुम जानती हो कि मैं जो सोचता हूँ वही करता हूँ। याद रखो अंजना, झुमरू की जिंदगी का दारोमदार तुम्हारे फैसले पर है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। झुमरू, अंजना, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती झुमरू,
तुम मुझे यहाँ से ले चलो। अब इस तरह ले जाने की कोई जरूरत नहीं अंजू, अब तो मैं तुम्हें धूमधाम से शादी करके ले जाऊंगा, शादी करके। झुमरू तुम नहीं समझे। अब क्या समझना, सब ठीक हो गया। तुम्हारे पिताजी से बात पक्की हो गई, उन्होंने वादा किया है कि वो तुम्हारी और मेरी शादी। लेकिन क्या क्या हुआ अंजू, तुम चुप क्यों हो गई? कुछ नहीं, दुनिया में सिर्फ मन के ही प्यार से तो काम नहीं चलता, तुमने और मुझ में बहुत फर्क है। मैं अमीर, तुम गरीब। ये अचानक तुम कैसी बातें करने लगी? मोहब्बत का अमीरी और गरीबी से क्या वास्ता है? सच्चाई को भूलकर मैं छोटे प्यार में अंधी नहीं बनी हूँ। तुम्हें अभी मेरे प्यार पर शक है क्या, या तुम्हारा दिल बदल गया है? जवाब दो अंजू, क्या तुम मुझे प्यार नहीं करती? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? जहाँ बराबरी नहीं वहां शादी का सवाल नहीं होता। तो बड़े लोगों की तरह तुमने ही मेरे साथ प्यार का नाटक किया, मेरे प्यार का मजाक उड़ाया, मुझे धोखा दिया। वो कसमें झूठी थी, वो मिलना, वो वादे, क्यों तुमने ऐसा किया? क्यों तुमने मुझे यहां बुलाया? खुशखबरी सुनाने के लिए कि मेरी शादी हो रही है। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारी खूबसूरती और भोलेपन के पीछे दगा और फरेब छिपा हुआ है। तुम यहां से चले जाओ, मगर शादी में जरूर आना, चाहे तोहफा लाना या ना लाना। मुबारक हो, मैं ही गलती पर था जो मैंने तुम्हारा यकीन किया। मुझे पहले ही सोचना चाहिए था कि गरीब अमीर का फर्क सिर्फ हैसियत से नहीं, दिल से भी होता है। काश तुम्हें मालूम होता छोड़ो, काश मैं तुमसे कह सकती। कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। शाम तन्हाई की है, आएगी मंजिल कैसे? शाम तन्हाई की है, आएगी मंजिल कैसे? जो मुझे राह दिखाए, वही तारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। नजारों न हंसो, मिल न सकूंगा कोई सहारा न रहा। अब
मैं कहां यूं ही चला जाता हूं, जो मुझे फिर से बुला ले वो इशारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। हम किसी के न रहे कोई हमारा न रहा। अंजना देवी, अंजना, हाउ ब्यूटीफुल, कितनी खूबसूरत लग रही है। अंजना, इस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है मैं अच्छी तरह जानता हूं। घबराओ नहीं, पिताजी ने कहा था किसी की सच्ची मोहब्बत के बीच की दीवार कभी नहीं बनना, और हो सके तो उस बनी हुई दीवार को तोड़कर दो प्रेमियों को मिला देना। लेकिन पिताजी के डर से ये दीवार तो मैंने खुद खड़ी की है। झुमरू के दिल से ये गलतफहमी अब कभी दूर ना होगी। इस गलतफहमी को मैं दूर करूंगा। कोई फायदा ना होगा, मैंने उसका अपमान किया है, उसके प्यार को ठुकराया है। अब मेरी सच्चाई का उसे कभी यकीन ना होगा। मैं हुई उसकी नफरत के साबित। झुमरू, झुमरू! क्यों मैनेजर साहब, आप क्या सत्यानाश करने आए हो, क्या जलाने आए हो? चमकी, तुम क्या कह रहे हो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तुम बता सकती झुमरू कहाँ है? उसे मुझे मिलना है, बहुत जरूरी काम है। खुद क्या बाकी छोड़ा था जो अब तुमको भेज दिया उस छल छबीली ने? चमकी, झुमरू यहाँ तुम्हारा जुलम सहने के लिए नहीं बैठा है, वो तो पहाड़ चढ़ने चला गया। चाची हमेशा रोकती रही, कहती रही वहाँ पर जो जाता है वो कभी सही सलामत लौट कर नहीं आता। ये सब तुम्हारी उसी शहर वाली छोकरी के कारण हुआ है। और मैं कह देती हूँ, अगर मेरे झुमरू को कुछ हुआ तो मैं चुप बैठने वाली नहीं। मेरा नाम चमकी नहीं, जो उससे बदला ना लिया। ये क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो चमकी, जरा समझो तो सही। इसमें झुमरू और अंजना दोनों का कसूर नहीं, कसूर है हम दोनों का, जो हम खामो खाम दोनों के रास्ते में आ रहे हैं। मैं अंजना को प्यार करता हूँ, तुम झुमरू को प्यार करती हो, और वो एक दूसरे को प्यार करते हैं। हमारा फर्ज है चमकी कि हम उन्हें मिला दे और उनके रास्ते से अलग हट जाए। तुम हट जाओ, लेकिन मैं कभी हार नहीं मान सकती। मैं औरत हूँ, औरत। औरत अगर किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकती है तो बना भी सकती है। पिताजी ने कहा था बेटा, सच्चे प्रेमी का वसूल बदला लेना नहीं, कुर्बानी करना होता है। चमकी, वक्त बहुत कम है, झुमरू की जिंदगी खतरे में, अगर उसे कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार तुम होगे, तुम। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं झुमरू के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। चमकी, तुमसे मुझे यही उम्मीद थी, चलो मेरे साथ। Thank you.
नीचे की बस्ती का कोई आदमी ऊपर नहीं आने पाए। जो हुकुम सरकार। नहीं माई, मालिक का हुक्म है कि कोई बाहर का अनजान आदमी न आने पावे। अरे बेटा, हम अनजान छोड़े ही हैं। हम तो काठमांडू की बिटिया रानी की शादी की खुशी में नाचने गाने और आशीर्वाद देने आई हैं। अच्छा माई, मुझे नहीं पहचाना। मुझे काठमांडू के बड़े साहब ने, क्या नाम है उनका, मैं भूल गई। राणा साहब। हाँ हाँ, राणा साहब। उन्होंने मुझे तुम्हारी बिटिया रानी की शादी में नाचने और गाने के लिए भेजा है। तुम नाचो। अरे बेटा, अब मेरा वक्त कहाँ रहा। लेकिन जब मैं अपनी जवानी में चुमक चुमक करके नाचती थी तो देखने वाले दंग रह जाते थे। सुषमा जी, इनके नाचने का इंतजाम करवा। लेकिन बेटा, पहले मैं तेरी बेटी को आशीर्वाद दे आऊ। इधर ले चली बेटी। हाँ वो हट्टा हट्टा, इधर है मेरी बेटी। ये नहीं, आज मेरी बेटी चुम्बक चुम्बक करके पिया के घर जाएगी। भगवान करे तेरी उम्र 100 वर्ष की हो और तेरे पति की उम्र सिर्फ 50। क्या बकती है रे बुड्ढे। अरे तू है वो निकच्चू, मेरी बेटी से शादी करेगा शरीर कहीं का। अब मेरे गले लग जा। जय हो माई। पिताजी ने कहा था बेटा, बुढ़िया का आशीर्वाद लेना हो तो साष्टांग दंडवत होकर लेना। ले ले ले, नीचे रहो बेटा, नीचे रहो बेटी, नीचे रहो बेटा। अच्छा बेटी, मैं जरा अपने बच्चों को देखा हूँ, तैयार हुई या नहीं, तैयार हुई या नहीं। गौरी जरा बत्ती यहाँ सुनो जी, मोरी मोरी दिल तक तक तक। कोई तेरी गली आया चोरी 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 दिन तक तक तक। काकरी माकरी आकरी माकरी काकरी माकरी आकरी माकरी हे 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 दिन तक तक तक। गे 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 गेली जरा टिम्बकटू, काठमांडू काठमांडू गले वो, मैं हूँ लोहा चुंबक तू, कैसे भला बच बच के रहू। गे 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 गेली जरा टिम्बकटू, काठमांडू काठमांडू गले वो, मैं हूँ लोहा चुंबक तू, कैसे भला बच बच के रहू। गे 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 गेली जरा हूँ। भवरे को क्या रोकेंगी दीवारें, कांटे चमकाए चम चम तलवारें। भवरे को क्या रोकेंगी दीवारें, कांटे चमकाए चम चम तलवार। मैं हूँ लोहा चुंबक तू, कैसे भला बच बच के रहू। गे 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 गेली जरा हूँ। ओ,
परवाना ए परवाना परवाना ऐ मेरी शम्मा तूने नहीं पहचाना नहीं मिलने आया तुझसे ये परवाना ऐ मेरी शम्मा तूने नहीं पहचाना मैं वही हूँ दीवाना पलक न गिराना तू जरा सा उठाना आँखों का पर्दा दादा चुंबक तू गेली जरा हो तुझको मेरे संग संग चलना है संग चलना है चंदा को बादल से मिलना है मिल तुझको मेरे संग संग चलना है चंदा को बादल से मिलना है रोके जो कोई आके तू लट बिखरा के नजर को बचा के अंधेरा किए जा 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 गे 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 गेली जरा टिम्बकटू काठमांडू गेलेबू मैं हूँ लोहा चुंबक तू कैसे भला बच बच के रहू हर एक दूसरे का साथ निभाओगे जो बेटी ये बरमाला इनको पहनाओ मंगलम भगवान इसने शेर के मुंह में हाथ डालने की हिम्मत की है मंगलम भगवान इसको जान कौन है मुकाबला करने की जरूरत कर रहा अगर अंजना यहां ना पहुंची तो हम इस बस्ती को जलाकर खाक कर ये फेरे शादी के नहीं तुम सबकी मौत के फेरे साबित होंगे मुकाबला करने से कोई फायदा नहीं सरदार मैं सब समझ लूंगा द्वारका ऐसी इज्जत अच्छी नहीं इसके पहले भी तुमने दौलत के कमर में ऐसी इज्जत की थी जबकि शादी का वादा करके कमली को धोखा दिया था और उसकी मासूम बच्ची को उठा ले गए उस समय मैं इस कबीले का सरदार था और तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारे घर से एक बच्चा उठा लाया उसी से इसकी सूनी गोद भरी उस बच्चे की मुस्कुराहट में इसके आंसू पोंछे लेकिन वो अंजना नहीं थी वो था छुमरू तुम्हारे प्यारी का बेटा जो तुमने बर्बाद किया दादा क्या हुआ उठे सरदार को गोली मार दी
फेरो, अभी फेरे बाकी है। फेरे बाद अभी हो सकते हैं। अभी और कितनी गोलियां बाकी हैं द्वारका? तुम अभी तक जिंदा हो? हाँ, आज ही के दिन के लिए इस बुड्ढे सरदार ने मुझे बचा लिया था, वरना मुझे मेरी कोई भी दौलत कैसे मिलती? मुझे ये कैसे मालूम होता कि झुमरू मेरा बेटा है? मेरी जिंदगी की आखिरी तमन्ना, मेरी सबसे बड़ी आरजू, मेरा बेटा मुझे मिल गया। मेरे बच्चे, मेरे लाल। द्वारका, आज इसकी खुशी के लिए तुम्हारी बंदूक तो क्या मैं तोप का भी सामना कर सकता हूं? कालू, क्यों गोलियां कर रहे हो? क्यों बेकसूर लोगों का खून बहाना चाहते हो? आपका सरला सिर्फ मुझसे है। अगर आपकी बंदूक खून की प्यासी है तो चलाइए मुझ पर गोली। बेटे, देखना है आपकी गोलियां खत्म होती है या मेरी हिम्मत। चलाइए, चलाइए गोली। अब सुना दीजिए मुझे विधवा, ताकि दुनिया वाले भी देखें कि एक पिटकी और घमंडी बाप ने अपनी झूठी शान में आकर अपनी बेटी के माथे का सिंदूर तोड़ दिया। तुम इन लोगों के बहकावे में आ गई, हट जाओ बेटी। बेटी? कौन बेटी, किसकी बेटी? बाप और बेटी का रिश्ता उसी दिन खत्म हो चुका था जिस दिन मुझे मालूम हुआ था कि आपने मेरी माँ को धोखा दिया। हमेशा तुझे तकलीफ, दुख और आंसू दिए। स्वामी, लेकिन आज मैं अपने हाथ से तेरी मांग कर देता हूं। बहुत कुछ नजर आ रहे हो तुम लोग, मगर आज तुम मेरी मुट्ठी में हो। जानते हो मैं कौन हूँ? लड़के का बाप। मैं चाहूँ तो अभी नहीं भैरी भैया। भगवान का लाख लाख शुक्र कि आज बच्चों की वजह से हम लोग सब एक हो गए। क्या तुम्हें इस बात की खुशी नहीं है? क्यों नहीं, लाओ फिर हाथ। लेकिन बच्चे कहाँ हैं? बच्चे? अरे यहीं होंगे। मैं हूँ झुम 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 झुमरू, पकड़ घूमू बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। चाचा जी, अकेले कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे को साथ।